गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री बाबूभाई बुखेड़िया को अवैध खनन मामले में अदालत ने सजा सुनाई। गुजरात के जल संसाधन मंत्री बुखेड़िया को सेशंस कोर्ट ने तीन अन्य लोगों के साथ 3 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि बाबूभाई को जमानत पर रिहा किया गया। गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट लोगों को अपने मंत्रालय में दे रखी है जगह। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में लोकायुक्त रहता तो कर्नाटक से बड़ा घोटाला गुजरात में सामने आता। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन पर कल तक फैसला होने के आसार। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव के पटना पहुंचने पर गठबंधन के बारे में लिया जाएगा फैसला। पार्टी नेताओं की दिन भर चली बैठक। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के तेवर देखते हुए बिहार भाजपा के नेताओं ने भी अपना रुख कड़ा किया। नीतीश कुमार ने आज उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मंत्री नंद किशोर यादव से मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन इन दोनों ने मिलने से किया इनकार। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने जेडीयू के राजग से अलग होने के संकेतों के बारे में कहा कि बिहार की जनता इस गठबंधन की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है। बिहार के मतदाताओं ने इनमें से किसी एक दल के लिए नहीं बल्कि जेडीयू भाजपा गठबंधन के लिए दिया है जनादेश। शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने भाजपा और जेडीयू गठबंधन के न टूटने की उम्मीद की व्यक्त। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का उन्हें नहीं दिखता कोई भविष्य। भाजपा जेडीयू के रिश्तों में आई तल्खी के मुद्दे से दूरी रखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ये एनडीए का अंदरूनी मसला है। पार्टी ने कहा दोनों दलों के बीच मतभेद जनता के सामने आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं और पार्टी के युवा नेताओं से की मुलाकात। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अलग तेलंगाना राज्य के मसले पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति द्वारा तेलंगाना क्षेत्र में बुलाए गए एक दिवसीय बंद का दिखा असर। हैदराबाद सहित तेलंगाना जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो के सामने दिया धरना, जिससे सड़क परिवहन निगम की बस सेवाएं आंशिक रूप से हुई प्रभावित। यूरोप के नए यात्री विमान एयरबस A350 ने कल सफलतापूर्वक 4 घंटे की परीक्षण उड़ान भरी। इस परीक्षण उड़ान की कमान लड़ाकू विमान के 2 पूर्व पायलटों ने संभाली। इस विमान को विकसित करने में करीब 8 साल का समय लगा है और इस पर तकरीबन $15 बिलियन खर्च किए गए हैं।